हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनीड्यू से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं। देयर आर सम डेट और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ विश्व के इतिहास में कुछ डेट और कुछ समय हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नो एंड रिमेंबर देम, और जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हर व्यक्ति उनको जानता है या फिर उन्हें याद करता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। कैन यू गैस विच वार इट वॉज। और बच्चों, ये जो कहानी है, इस कहानी में भी हमें डेट और घटनाएँ मिलेंगी। और इसमें एक जो कहानी है, जो घटना है, वो है एक वार की, जो कि युद्ध है और जो किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में, यानी कि विश्व युद्ध, फर्स्ट विश्व युद्ध जो हुआ था और जो 1914 में हुआ था। और क्या आप गैस कर सकते हो कि जो है ये क्या था या कौन सा युद्ध था? चलो, तो हमें जानने के लिए इस स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा और इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ मैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। मैंने एक रोल टॉप डेस्क को एक कबाड़ी की दुकान में देखा था, जो कि ब्राइटपोर्ट में थी, यानी ये ब्राइटपोर्ट जो है जगह का नाम है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। और एक आदमी ने बोला था कि ये जो है, ये जो रोल टॉप डेस्क है, ये लगभग 19th century से पहले की, यानी कि 19वीं सदी से पहले की है और ओक ट्री से बनी हुई है। ओक, बच्चों, ओक ट्री जो है एक बहुत बड़ा होता है और इसकी जो लकड़ी होती है बहुत अच्छी होती है। और आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। और मैं ऐसी ही एक कुर्सी चाहता था या ऐसी ही एक डेस्क चाहता था, परंतु ये मेरी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, क्योंकि ये लकड़ी बहुत महंगी होती है, तो इसलिए उसकी पहुंच से बहुत दूर रहती है। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लैक क्लम्सली मेंडेड स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और परंतु ये जो थी, ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में थी, ये जो मुझे मिली थी कबाड़ी की दुकान पर, ये बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी। इसके जो है कई सारे पीसेस, यानी कई सारे टुकड़े हुए पड़े थे, और इसकी जो लेग थी वो भी जो है टूटी हुई थी, और आधी तो जो है इस पर जैसे आग से किसी ने जला दिया हो, तो वैसे निशान थे। इट वॉज़ गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। और ये मुझे जो है, क्योंकि ख़राब कंडीशन में थी, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल गई। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मैंने सोचा कि जो है मैं इसे ठीक करूँ। इट वुड बी अ रिस्क आई चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। और मैं इसे ठीक करूँ, ये मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्की होगा और एक चैलेंज भरा काम होगा, पर मुझे ये काम करना है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। और मैंने जो है उस दुकान वाले को पैसे दिए और इसे अपने वर्क रूम में ले आया, जो कि गैरेज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और मैंने जो है क्रिसमस ईव के दिन ही काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रायर। और मैंने जो है, जो उस रोल टॉप डेस्क को जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली, मतलब जो है हटा दिया, और उसको, उसके जो ड्रायर हैं उनको बाहर निकाल दिया। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। और जो वेनियर है बच्चों, ये जो होता है एक पतली सी लेयर की प्लास्टिक होती है, जो कि डेकोरेटिव के काम में आती है, डेकोरेशन के काम में आती है, जैसे मेज को या फिर जो डेस्क को हम ठीक करते हैं तो उस पर जो एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, तो उसे जो है वेनियर बोलते हैं, जो कि बहुत ख़राब क्वालिटी का
प्लास्टिक होती है, और ये जो मुझे लग रही थी कि जैसे कि पानी से किसी ने ख़राब कर दी हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द टास्क ऑन दिस टास्क, और परंतु जो ये जो डेस्क थी इसे पानी और आग दोनों ने जो है बर्बाद कर दिया था, यानी कि ख़राब कर दिया था। द लास्ट ड्रायर ड्रावर वाज स्टक फास्ट, परंतु जो लास्ट ड्रावर थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी, खुल नहीं रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने जो है बहुत प्रयास करे इसे कि प्यार से खोलूँ। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, परंतु एंड में मैंने क्या करा, जब मुझे ये मुझसे ये प्यार से नहीं खुली तो मैंने इस पर जो है थोड़ा सा ज़ोर से खोलने की कोशिश करी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ स्वालो स्पेस अंडरनीथ, और फिर मैंने जो है फिर भी नहीं खुली तो मैंने इस पर एक ज़ोर से एक घूसा मारा, फिर जो है ये खुली और देखा कि जो है इसके नीचे एक अ सीक्रेट ड्रायर है, इसके नीचे जो एक सीक्रेट जगह है, एक रूम है, वो सॉरी ड्रायर है। देयर वाज समथिंग इन देयर, और वहाँ पर जो है शायद कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने जो है वहाँ पर अपने हाथ डाले और वहाँ पर से मैंने एक छोटा सा जो है ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स निकाला। सेलो टेप्ड to the top of the of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting, और जो है उस पर एक छोटा सा लाइन का नोट पेपर लिखा हुआ था, सेलो टेप से चिपकाया हुआ, जिस पर जो लिखा हुआ था चलती हुई हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी When the time comes, और उस पर लिखा हुआ था कि ये जो लास्ट लेटर है ये रिसीव करा हुआ है 25 जनवरी को 1915 में, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब मेरा समय आएगा या जब मैं मरूँगा तो इस लेटर को मेरे साथ ही दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स, और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए ये बॉक्स खोलना एक अच्छा काम नहीं है, क्योंकि दूसरों की जो प्राइवेसी होती है उस पर हमारा निगाह रखना अच्छा काम नहीं होता है, या अच्छे हमारे मॉरल वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए ये जो राइटर है ये भी जो है हेजिटेट होता है। बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स इट यूजली डज, और जो है परंतु जो क्यूरियसिटी है यानी कि जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा जो है उसे उस बॉक्स को खोलने के लिए मजबूर कर देती है, और उस जिज्ञासा की वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेट तो होता है परंतु वो उसको ओपन करता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक छोटा सा जो है मतलब एक एनवलप था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मार्क फर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्राइटपोर्ट डोरसेट, और जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था कि मिस्टर जिम मार्क फर्सन 12 कॉपर बीच ब्राइटपोर्ट डोरसेट, ये जो है बच्चों एड्रेस है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, और मैंने जो है उस लेटर को बाहर निकाला और उस लेटर को खोला। इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और जो है इस पर पेंसिल से लिखा हुआ था, और डेट जो इस पर इसके ऊपर जो डेट डली हुई थी वो डली हुई थी डेट 26 दिसंबर 1914 की। तो ये बच्चों हमारा इस का जो है फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, और इसका जो कंपेरिहेंसिव चेक है वो ये है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, कि ऑथर ने जंक शॉप पर जो है क्या ढूंढा, उसने क्या ढूंढा था, एक रोल टॉप डेस्क को ढूंढा था। तो इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन का जवाब देना है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, Who do you think had put it in there? तो इस तरह से आपको इसका जवाब भी देना है, और इसके जवाब को आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में देना है, और आगे अब इस स्टोरी का जो है सेकंड पार्ट में क्या होता है, लेटर में क्या लिखा होता है,
या किस घटना का विवरण होता है, तो इसे जानने के लिए हमें इसकी सेकंड वीडियो को देखना पड़ेगा। और ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.